हेलो गाइस, होपफुली आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, आपके सारे काम अच्छे से हो रहे होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो यहाँ के क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। पहला एडवांटेज तो देखिए यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका बजट 40 से 60 लाख भी है, तब भी आपको यहाँ पर 2 BHK फ्लैट मिल जाता है। अगर आप बात करते हो नोएडा की, दिल्ली की, तो वहाँ पर ये आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोस्टली सोसाइटी वाला पूरा कल्चर है। आप अगर आओगे भी तो देखोगे कि यहाँ पर सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो आपको सोसाइटी वाला लाइफस्टाइल मिल जाएगा, वो भी अपने बजट में। तो अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपकी सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि एक सारी गेट बंद कॉलोनीज होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि गार्ड का सिस्टम होता है, मेन गेट पे भी गार्ड होता है और आपका जो टावर होता है वहाँ पर भी गार्ड होता है। तो सेफ्टी वाला पॉइंट आप यहाँ पर ये मान के चल सकते हो कि ठीक है, आप अगर अकेले भी रहते हो तो भी आप यहाँ पर रह सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिलीज जैसे आजकल होती हैं, बच्चे होते हैं और खाली हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उस केस में भी आपके लिए ये जो एरिया है ये अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर पावर बैकअप रहता है, क्योंकि पावर सप्लाई अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। आजकल तो सारा की सारा जो इक्विपमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही हैं, आपको वॉशिंग मशीन रन करना है, मिक्सी रन करना है या चिमनी चलाना है, तो सब चीज़ों में लगती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो सोसाइटी वाले जो होते हैं उस पर पावर बैकअप आपको मिलता है, 24 आवर्स आपको सप्लाई मिलती है, तो ये एक बेनिफिट रहता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो वाटर है वो भी 24 आवर्स मिलता है, तो ये चीज़ भी आपके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बिल्डर फ्लोर की तरफ जाओगे तो आपको पावर बैकअप और जो वाटर सप्लाई है उसमें दिक्कत आ सकती है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट से चलता है, और जो आपकी फ़ोन के नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये एरिया डेंस एरिया है, तो यहाँ पर टावर वगैरह प्रॉपरली इन लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी और जो फ़ोन के नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे आपका वर्क फ्रॉम होम हो या बच्चों का आपको ट्यूशन करवाना हो ऑनलाइन का, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों की कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आसपास आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी डेली नेसेसिटी की ज़रूरत से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, मॉल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया, और भी जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं, वो सारी नियर बाय यहाँ पर ऑलरेडी रख रखी हैं इन लोगों ने पहले से ही प्लान करके। क्योंकि आप अगर आपके बच्चे हैं तो आप उसको स्कूल तो भेजोगे, और आजकल बीमारियां तो इतनी चली हुई हैं तो हॉस्पिटल तो जाओगे ही, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन भी देखने को मिल जाएंगी, सर्वोदय हो गया, यथार्थ हो गया, तो इसलिए मेडिकल फैसिलिटी वाला प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। आपका एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरीज की काफ़ी ज़्यादा सुविधा है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, एवरी टाइम तो आप निकल के एक एक सामान के लिए नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पर ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, सारी चीज़ें इजीली आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिलीवरी नहीं करता, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पैंटलूस, सबका यहाँ पर डिलीवरी हो जाता है, ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हो या आपको कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से सामान मंगाना हो तो यहाँ पर सब हो जाता है इजीली, तो वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं उनका एडवांटेज यहाँ पे आप भरपूर ले सकते हो, क्योंकि निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो आप घर बैठे बैठे कर ही सकते हो, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी तो यहाँ पर भरपूर आपको मिलती ही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि यहाँ पर आपको फ्रेश फार्म वेजिटेबल्स इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि जो ये एरिया है ये आपको अगर पता हो या नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, क्योंकि ये पहले तो ये खेतों की ज़मीन थी, उसके बाद ये इसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से प्रमोट करके यहाँ पे सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट हो गई, लेकिन अभी भी नियर बाय कुछ कुछ खेत बचे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फ्रेशली
जो वेजिटेबल्स होती है ग्रोन होती हैं, और नियर बाय जो भी मंडी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर होती है मंडी, ऐसे आधा एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे मंडी लग जाती है, कुछ फार्मर्स लगाते हैं, तो आपको वहाँ से फ्रेशली जो ग्रोन वेजिटेबल्स होती है वो इजीली मिल जाती हैं। नहीं तो क्या होता है कि कुछ ऐसे शहर होते हैं, मेट्रो सिटीज़ रहती हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, आपको बाहर का ही सामान यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर वेजिटेबल्स आपको अच्छी मिल जाती हैं, आप कुक करके देखोगे तो अभी आपको टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये एक चीज़ है कि डे टू डे लाइफ में वेजिटेबल्स तो आपको लगने ही वाली हैं, और अगर वेजिटेबल्स मिल जाएँ तो फिर कहना ही क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो आपको ये है कि सोसाइटी के अंदर भी अगर आपको वॉक करना है तो आप 12 एक बजे तक भी इजीली कर सकते हो, उसमें सेफ्टी का कोई पॉइंट नहीं है। सोसाइटी के बाहर तो 11 बजे तक चहल पहल रहती ही है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं तो कोई ना कोई तो बाहर रहता ही है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना आप वॉक करिए खाने के बाद, या फिर आप मॉर्निंग में भी निकल सकते हो, तो उन सब चीज़ों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यही था आज का टॉपिक, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो जो मेरे पास पॉइंट्स थे। अगर आपके माइंड में भी कोई पॉइंट है तो आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।